हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे और बहुत सारे जो पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको उनके बारे में भी आपको नॉलेज मिलता रहे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, इसमें ब्रीफली देखेंगे, बहुत बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। देखते हैं क्या है। वैकेंसीज़ फॉर NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केरला यूनिट। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एड हॉक प्रोजेक्ट क्लिनिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ लाइम डिजीज, अ मल्टी सेंट्रिक टास्क फोर्स स्टडी इन इंडिया एट ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केरला यूनिट ई ब्लॉक। ये तो पूरा इसका एड्रेस आ गया है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 18 December 2020 इज द लास्ट डेट ऑफ रिसिविंग ऑफ एप्लीकेशन। फर्दर डिटेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग वेबसाइट www.niv.co.in और www.icmr.nic.in। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर with the ICMR National Institute of Virology Kerala unit, Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, और ये इसका एड्रेस है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02-2020। ICMR का यहाँ पर लोगो आपको देख सकते हैं। फॉलोइंग पोजिशन वुड बी फील्ड अप टू प्योरली ऑन टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और ये एक रिसर्च का मैंने आपको नाम बताई दिया है, एड्रेस भी मैंने आपको पहले बताई दिया है, आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बताने जैसा नहीं है। यहाँ पर जो है अपने से रिलेटेड जो पोस्ट है, यानी कि स्टाफ नर्स प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 ओनली। ओके, थोड़ी कम है लेकिन आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, सब थोड़ी चाहिए। फिर कैटेगरी अनरिजर्व, यानी कि सब भर सकते हैं। और सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 31,500 रुपये। ओके, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और सैलरी भी अच्छी है। ओके, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई टू द डायरेक्टर NIV पुणे थ्रू ईमेल NIV केरला ऑफिशियल @gmail.com। द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम NIV वेबसाइट nic.co.in। द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सपोर्टेड बाई स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 18 December 2020। यानी कि आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी उसमें आपको ऐड करने हैं और ये चीज़ जो है आपको मेल करनी है NIV केरला ऑफिस @gmail.com पर। इन केस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लार्ज, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर अ VC। द VC प्लेटफॉर्म, यानी कि VC प्लेटफॉर्म डेट एंड टाइम, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू एंड लॉगिन क्रेडेंशियल विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। कैंडिडेट्स हु फेल टू लॉग ऑन VC प्लेटफॉर्म अलर्ट एट अलर्टेड रिज्यूम विल नॉट बी कंसिडर। यानी कि आपको जो है अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और द डायरेक्टर पुणे इज राइट टू चेंज इन डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू सिलेक्शन। आपको डेट और टाइम सब बता दिया जाएगा और डायरेक्टर के पास तो सारे अधिकार हैं ही सही, इसमें तो कोई अपने को बताने वाली बात है नहीं। यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी है हम देख लेते हैं। स्टाफ नर्स, डिप्लोमा इन नर्सिंग और मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट रजिस्टर्ड नर्स और ANM विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस इन फील्ड सर्वे, ये एक डिज़ायरेबल है और ये असेंशियल है। और उसके बाद ठीक है, ये असेंशियल है, डिज़ायरेबल है और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये नहीं होगा तो भी चलेगा। फील्ड वर्क फॉर ब्लड सैंपल कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल इन केरला, केरला के अलग अलग जो हॉस्पिटल हैं वहाँ से आपको सैंपल, ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना रहेगा, ये आपका काम रहेगा। और आपकी जो एज रहेगी, एज लिमिट 30 years विल बी हियर। आगे देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, नंबर ऑफ पोस्ट में भी वेरी, द पोजिशन मीन टेम्प्रेरी रहेगी, कंसोलिडेटेड सैलरी और देन एज कंसेशन, इसमें ज़्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और पर्सन्स ऑलरेडी रेगुलर टाइम सर्विस, उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, बट
जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें क्या करना है कि ये जो जीमेल है इस पे हमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेल करने हैं। ओके, ये है इसका एक तरह से जो बायोडाटा का, जो जिस तरह से आपको जिस फॉर्मेट में फिल करना है वो फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है, जितनी भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि ईमेल आईडी से आपकी कॉन्टैक्ट होगा, कौन सा एग्ज़ाम आपने कब पास किया, 10th 12th, जिस तरह से हम करिकुलम वीटा में भरते हैं वही तरह से, वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हमको ऐड करनी है, और इस तरह से ये चीज़ हमें मेल करनी है, और मेल करने के बाद हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक इंटरव्यू का मेल आ जाएगा, और उसके बाद हमें उस पर पार्टिसिपेट करना है और फिर हम वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।